बता दें कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने संभाला पदभार। सचिवालय में मंत्रालय भवन के द्वितीय तल पर गोदारा का कमरा नंबर 6220 में विधिवत पूजा अर्चना कर उन्होंने अपना पदभार आज ग्रहण किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सुमित गोदारा, जिन्होंने आज कैबिनेट मंत्री पद का पदभार ग्रहण किया सचिवालय अपने कार्यालय पहुंचकर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब एक के बाद एक तमाम मंत्री अपना पदभार ग्रहण करते हुए सुमित गोदारा आज सचिवालय पहुंचे हैं, जहां द्वितीय तल पर उनका ऑफिस है, पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने आज अपना पदभार संभाला, विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपनी कुर्सी पर बैठे अपना पदभार ग्रहण किया। तो अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, तो अब बड़े एक्शन और एक्टिव मोड में तमाम मंत्री अब प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जिन्होंने आज सचिवालय पहुंचकर अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता विभाग इनके अंडर में है और आज विधिवत रूप से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। फिलहाल सभी सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनकी अगवानी करने उनके कार्यालय पहुंचे। कमरा नंबर 6220 में विधिवत पूजा अर्चना के साथ सुमित गोदारा ने अपना पदभार संभाल लिया है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है उन्होंने। तो अब सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण करते हुए सचिवालय मंत्रालय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर सुमित गोदारा पहुंचे, सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना पदभार संभाला। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं सुमित गोदारा के कार्यालय की, जहां पर वो पहुंचे, आज पदभार ग्रहण किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं सुमित गोदारा और आज से एक्टिव मोड पे वो नजर आने वाले हैं। फिलहाल सचिवालय की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा पहुँचे हैं। मंत्रालय भवन के दूसरी मंजिल पर उनका कार्यालय स्थित है, 6220 नंबर का कमरा, जहां पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सुमित गोदारा के अंडर में होगा और तमाम इस विभाग से जुड़े हुए सचिवालय अधिकारी कर्मचारी उनकी अगवानी के लिए उनके कार्यालय पहुंचे।